सर सर क्या मीटिंग में तय पाया गया अभी सर? जम्मू कश्मीर के ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने सभी बड़ी राजनीतिक पार्टियों के वरिष्ठ नेताओं को राजभवन बुलाया था। ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा साहब ने श्री अमरनाथ जी की यात्रा जो यहाँ शुरू हो रही है उसमें सभी राजनीतिक दलों के वरिष्ठ नेताओं से ये आह्वान किया है कि हम सबको मिलकर श्री अमरनाथ जी की यात्रा को कामयाब करना है और सभी राजनीतिक दलों के सभी वरिष्ठ नेताओं ने माननीय उपराज्यपाल महोदय जी को ये विश्वास दिलाया है कि ये सदियों पुरानी हमारी एक सांस्कृतिक विरासत रही है कि हम सब ने मिलजुल कर श्री अमरनाथ जी की यात्रा को हम कामयाब करते हैं और इस बार भी सभी मिलकर श्री अमरनाथ जी की यात्रा में अपना सहयोग दें। ये हमारी एक सांस्कृतिक विरासत है और इस विरासत को हम संजोग के रखें, मजबूती दें, ऐसा लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने हम सब से अपील की, आह्वान किया और सभी राजनीतिक दलों के बड़े नेताओं ने माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को ये विश्वास दिलाया है कि पूरे जम्मू कश्मीर के लोग हमेशा से ही जिस सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाते हैं इस बार भी देश भर और दुनिया भर से आने वाले यात्रियों को हम पूरी सेवा और उनकी खिदमत करेंगे। आज की जो मीटिंग गवर्नर साहब ने बुलाई थी जो पॉलिटिकल पार्टी हेड्स की, उसमें मैक्सिमम तो आए हुए थे एक दो को छोड़ के, मेरे ख्याल से कुल मिलाकर जो वहाँ जाने पर पता चला वो यही था कि अमरनाथ यात्रा 2-3 साल के बाद में इस बार शुरू होने जा रही है, तो उसको कैसे बेहतरीन बनाया जाए, कैसे यात्रियों की सुविधाएं, और उनने पूरी प्रेजेंटेशन दी, उनकी इंतज़ाम क्या किए हैं सरकार ने, एडमिनिस्ट्रेशन ने, तो हमने बताया ये तो हमारा ट्रेडिशनल है, इसमें हमेशा कश्मीर के लोगों ने हमेशा उसको वेलकम किया, सहायता की, यात्रा को यात्रियों को हमेशा कंधों पर उठाए, जब भी कोई सहानिया हुआ, चाहे बारिशों का हुआ या कोई इंसिडेंट हुआ, हमेशा लोकल कश्मीरियों ने जगह जगह पर सरकारी इमदाद से ज़्यादा लोकल लोगों ने मदद दिया। मीर साहब, क्या सिचुएशन के हवाले से भी कोई बात हुई सिक्योरिटी के हवाले से? आज भी हम वही उम्मीद कर रहे हैं कि लोकल लोग उस यात्रा को स्मूथली चलाएंगे, मगर एक चीज़ ज़रूर गवर्नर साहब से भी हमने गुजारिश की, यात्रा को वेलकम करते हुए, यात्रियों को वेलकम करते हुए, जो जम्मू से श्रीनगर तक जगह जगह वो अड़चने लगाई जा रही, जो सिविल ट्रैफिक है उसको थोड़ी दिक्कतें होती है, उस एंगल को भी आप देख लीजिए, ताकि सिविलियंस में बीमार होते हैं, इमरजेंसी वाले होते हैं, उस चीज़ को भी ज़्यादा दिक्कत ना आए, उस एंगल को देख लीजिए, बाकी हम सारे लोग पहली बार यहाँ पर मेनस्ट्रीम पॉलिटिकल लीडर्स को एंगेज किया है राजभवन ने, लेकिन जो एक्सपेक्टेशंस थी शायद पॉलिटिक्स के वजह से बात हुई, क्या मायूसी हुई इस वो भी बात हुई। आज स्पेसिफिक सब्जेक्ट था अमरनाथ यात्रा, मगर लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जब हम लोगों ने बात की, उन्होंने कहा थोड़ा सा 5-8 दिन गुजरने के बाद में जो कुछ और हमारे लोगों के इश्यूज़ है उसमें हम और एक्सपेंडेड तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज़ को लाएंगे, जो उनको इश्यूज दिखते हैं। सिचुएशन किलिंग के हवाले से कोई बात हुई अंदर? नहीं, वो पास्ट में जो हुए हालात वो सबके लिए कंसर्न था, और उसी कंसर्न को देखते हुए यात्रा कैसे सफल हो जाए, यात्रा कैसे पीसफुल हो जाए, उसमें हमने बता दिया सारे जम्मू कश्मीर के स्टेट हो जाए, इलेक्शन के मतलब कोई बात हुई सर? नहीं, वो आगे नेक्स्ट फेज के लिए उनने कहा कि उन चीज़ों को भी हम दूसरे स्टेट